डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम लोगों ने जो इंग्लिश के सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीखा था वो ये था कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और हमें मालूम है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा सब्जेक्ट से पहले फिक्स होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। लेकिन उर्दू के सेंटेंस में हमारा जो क्वेश्चन है वो मूव करता रहता है। कभी क्वेश्चन हमारा यहाँ पर होता है सब्जेक्ट से पहले, कभी सब्जेक्ट के बाद और कभी ऑब्जेक्ट के बाद। मिसाल के तौर पर अगर ये कहा जाए क्या वो कॉलेज जाता है, क्वेश्चन यहाँ पर है। अगर पूछा जाए वो कब कॉलेज जाता है, क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। वो कॉलेज क्यों नहीं जाता, क्वेश्चन इधर आ गया। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन की मूवमेंट उर्दू में होती रहती है, लेकिन उसके पैरेलल इंग्लिश में हमने देखा है कि हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले ही रहते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हम क्या किया करेंगे, जहां हमें क्वेश्चन नजर आया करेगा उर्दू में उसको अंडरलाइन करके उसके नीचे क्यू फॉर क्वेश्चन लिख दिया करेंगे, और उसके बाद हमारा सेंटेंस सिंपल बचेगा या नेगेटिव उसको हम एनालाइज करके ट्रांसलेट कर लिया करेंगे। तो देखते हैं हमारा सेंटेंस ही पहला, क्या वो हर रोज कॉलेज जाता है। अब इसमें भी एक और बात है, क्वेश्चन हमारे दो तरह के होते हैं। एक क्वेश्चन वो होते हैं जिनका आंसर यस या नो में आ सकता है। तो ये याद रखना है कि वो क्वेश्चन जिनका आंसर यस या नो में आ सकता है वो इंग्लिश में हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ट्रांसलेट किए जाएंगे, यानी कि वो शुरू होंगे हेल्पिंग वर्ब से। जैसे क्या वो हर रोज कॉलेज जाता है, तो हम इसका आंसर दे सकते हैं हाँ या नहीं। तो जिस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में आएगा वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका जवाब हाँ या ना में नहीं आ सकता, यस या नो में, हमें उसके लिए कोई वजाहत करनी पड़ती है। जैसे वो कब कॉलेज जाता है, तो इसके लिए हमें वक्त बताना पड़ेगा। वो कॉलेज क्यों नहीं जाता, हमें उसके लिए उसकी रीज़न बतानी पड़ेगी, हाँ या ना से काम नहीं चलेगा। तो जिस क्वेश्चन के लिए हमें कोई डिस्क्रिप्शन देनी पड़े आंसर में, वो हमेशा क्वेश्चन वर्ड से या डब्ल्यू एच के मेंबर से शुरू होते हैं। तो देखिए क्या वो हर रोज कॉलेज जाता है, तो इसका जवाब यस या नो में आ सकता है, तो इसका मतलब है कि ये हेल्पिंग वर्ब से ट्रांसलेट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमने हेल्पिंग वर्ब से इसको ट्रांसलेट किया है, और चूंकि ये क्वेश्चन है हम इसको अंडरलाइन करके लिखेंगे क्यू फॉर क्वेश्चन। तो बाकी सेंटेंस आएगा सिंपल या नेगेटिव। तो अगर मैं पूछूं कौन हर रोज कॉलेज जाता है, तो आंसर में आएगा वो क्या करता है, जाता है। कहाँ जाता है, कॉलेज। कब जाता है, हर रोज। तो पहले वेयर का आंसर, फिर वेन का आंसर, पहले वेयर का आंसर और फिर वेन का आंसर। तो देखिए, तो वो एक आदमी है, तो डज ही गो टू कॉलेज डेली। तो अगर मैं पूछूंगी कि हु गोज टू कॉलेज डेली, तो आंसर में आएगा ही डज व्हाट, वो क्या करता है, गोज। ही गो, तो ही Does he go where? तो आंसर में आएगा to college. Does he go to college when? तो आंसर में आएगा daily. तो पहले फिर का आंसर और उसके बाद when का आंसर। तो इसी तरह से हम अपनी गलतियों के लिए दूसरों को क्यों इल्जाम देते हैं। अब आप देखेंगे इसमें क्यों का आंसर है वो yes या no में नहीं आ सकता। इसका मतलब है कि कैसे शुरू होना चाहिए, डब्ल्यू एच शमनी के मेंबर से। तो हमने इसको क्यों को अंडरलाइन करके लिख लिया क्यू फॉर क्वेश्चन, और आप देख सकते हैं इंग्लिश में हमने इसको WHMD के मेंबर Y से ट्रांसलेट किया। तो देखिए एनालिसिस करते हैं, बाकी सेंटेंस रहेगा सिंपल। कौन अपनी गलतियों के लिए दूसरों का इल्जाम देते हैं, आंसर में आएगा हम क्या करते हैं, इल्जाम देते हैं। किसको, दूसरों को। किसके लिए, अपनी गलतियों के लिए। तो पहले हमने देखे होम का आंसर लिया, उसके बाद वर्ड का, पहले होम का आंसर उसके बाद वर्ड का आंसर। तो देखिए वाई डू वी ब्लेम अदर्स फॉर आवर मिस्टेक्स, Who blame others for our mistakes? We do what? Blame. We blame home for our mistakes? Others. We blame others for what? For our mistakes. पहले home, फिर what? तो home, what, how, where, when, इस order को strictly follow करते रहेंगे तो कभी translation गलत नहीं होगी। फिर देखिए क्या अहले मगरब हमारी तरह इखलाकी उसूलों की पाबंदी करते हैं, इसका जवाब यस या नो में आ सकता है। इसका मतलब है कि इसको हेल्पिंग वर्ब से ट्रांसलेट करना चाहिए। तो देखिए हमने इसके लिए डू लिखा है, और हम जानते हैं कि सब्जेक्ट हमारा अगर प्लूरल हो तो डू, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज। तो
कौन हमारी तरह इखलाकी उसूलों की पाबंदी करते हैं? आंसर में आएगा अहले मगरिब। अहले मगरिब क्या करते हैं? पाबंदी करते हैं। वो क्या है जिसकी पाबंदी करते हैं? इखलाकी उसूलों की। कैसे करते हैं? हमारी तरह। तो पहले व्हाट का आंसर, फिर हाउ का आंसर। तो आप देख सकते हैं पहले व्हाट फिर हाउ। तो अहले मगरिब ज्यादा है तो डू आ जाएगा। तो देखिए, डू द वेस्टर्न पीपल अबाइड बाय द मॉरल लॉज लाइक अस। तो अगर मैं पूछूं जी कि हु अबाइड बाय द लॉज, तो आंसर में आएगा द वेस्टर्न पीपल। द वेस्टर्न पीपल डू व्हाट? अबाइड बाय। द वेस्टर्न पीपल अबाइड बाय व्हाट? मॉरल लॉज। द वेस्टर्न पीपल अबाइड बाय द मॉरल लॉज लाइक होम, लाइक अस, या हम कह सकते हैं कि हाउ। तो आंसर में आएगा लाइक अस। तो पहले व्हाट का आंसर, फिर हाउ का आंसर। इसी तरह से क्या इस्लाम हमें एक मुकम्मल ज़ाबता हयात देता है, इसका जवाब यस या नो में आ सकता है। इसका मतलब ये भी हमारा सेंटेंस हेल्पिंग ऑफ से क्यों होना चाहिए, तो देख लें आप हेल्पिंग ऑफ से, तो इसका आंसर यस या नो में आ सकता है। तो अगर मैं पूछूं जी वो क्या है जो हमें एक मुकम्मल ज़ाबता हयात देता है, तो आंसर में आएगा इस्लाम। इस्लाम क्या करता है? देना से देता है। किसको देता है? हमें। क्या देता है? एक मुकम्मल ज़ाबता हयात। तो आप देख सकते हैं पहले हमने होम का आंसर लिया, उसके बाद हमने व्हाट का आंसर लिया। तो इस्लाम सिंगुलर है, तो इसलिए डस। डस इस्लाम गिव अस अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। तो अगर मैं पूछूंगी कि व्हाट गिव्स अस अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, तो आंसर में आएगा इस्लाम। इस्लाम डज व्हाट, तो आंसर में आएगा गिव, या प्रोवाइड भी कहा जा सकता है। इस्लाम गिव्स होम अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, तो आंसर में आएगा अस। इस्लाम गिव्स अस व्हाट, तो आंसर में आएगा A complete code of life। तो देखिए आप पहले होम का आंसर, फिर व्हाट का आंसर। पहले होम का आंसर, फिर व्हाट का आंसर। तो ये थे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनेट के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट के जो सेंटेंसेस उनकी करेक्शन होगी।